बुधवार को आबकारी विभाग ने कच्ची शराब के कारोबारियों पर की बड़ी कार्रवाई, जिसके संबंध में आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आबकारी विभाग के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी टीम ने सबसे पहले थाना राजघाट के अंतर्गत चक्रा अव्वल अमूर्तानी में धर्मशीला पत्नी मधुसूदन के घर छापेमारी की। छापेमारी में धर्मशीला के घर से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुआ। धर्मशीला के ऊपर अभियोग पंजीकृत किया गया है। दूसरी छापेमारी थाना राजघाट के हरबट बंधा पर की गई और वहां पर दो महिला निबुली पत्नी मंतर और शीतल देवी पत्नी बजरंगी के घर से लगभग 25 लीटर शराब बरामद किया गया। उन दोनों के ऊपर भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसके बाद आबकारी टीम ने तीसरी छापेमारी थाना तिवारीपुर के घुनघुन कोठा गांव में गुड्डी पत्नी लालू के घर पर की, जिसके पास से 20 लीटर शराब बरामद हुई। उसके ऊपर भी अभियोग पंजीकृत किया गया। उसके बाद आबकारी टीम ने चौथी छापेमारी थाना चिलुआ ताल के रहुआ एवं भंडारों में की। वहां पर किसी प्रकार का अवैध शराब बरामद नहीं हुआ। चारों महिलाओं के ऊपर अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आबकारी निरीक्षक ने कहा कि अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ निरंतर अभियान चलता रहेगा। गिरफ्तार करने वाली टीम में आबकारी इंस्पेक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, कांस्टेबल शिवेंद्र तिवारी, ऋतु प्रकाश चौधरी, श्रीकांत सूर्यभान, जावेद अहमद, हरिशंकर पाठक शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आबकारी इंस्पेक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी ने कहा, आबकारी विभाग द्वारा कई जगहों पे छापा डाला गया है, कितना बरामद हुआ, कितना? जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा अवैध कच्ची शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के क्रम में आज थाना तिवारीपुर, चिलुआताल और राजघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है दबिश की कार्रवाई हुई है। कुल चार महिलाओं के विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत किया गया है और कुल 75 लीटर अवैध शराब बरामद हुआ है। सर, अभियान कब तक चलेगा? अभियान ये लगातार चलेगा, ये जो है 13 अगस्त से ही लगातार चल रहा अभियान है। सर, बहुत से लोग इस कार में लिप्त हैं, उनके लिए क्या संदेश है? ये मतलब कहीं भी अवैध शराब ना पिए, जहाँ भी सरकारी देसी शराब की जो दुकान है वहाँ से शराब पिए। जो अवैध कच्ची शराब है वो विषाक्त भी हो सकता है और जो है मानव जीवन के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो इसी वजह से जो है जहाँ भी आप शराब लें तो सरकारी शराब की दुकान से ही लें।